नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। हमने बैकअप प्लान का भी बैकअप तैयार किया है। इस मिशन में अब तक सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या हम स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं? हमारी एक गलती ये थी कि तब हमने उसका समाधान नहीं किया था। इसरो चीफ एस सोमनाथ के ये वो शब्द हैं जो उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग से पहले एक पेपर को इंटरव्यू में कहा कि चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है और इस उम्मीद को भरोसा दिया है इसरो के वैज्ञानिकों ने, जो 2019 में चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के बाद से ही मिशन को सफल बनाने में लगे हैं। हमें विश्वास है कि ये एक सफल मिशन होगा। हम तैयार हैं, ये एक सफल मिशन होगा। और ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये आत्मविश्वास है उस काम से आया है जो हमारी टीमों ने चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के बाद मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए किया है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक लगातार उस मिशन में सामने आई कमियों पर काम कर रहे थे, जिसका फायदा चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देखा जा सकता है। बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो चीफ ने और क्या कहा, हम आपको ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल एक छोटा समय नहीं है। हमने इसका हर हिस्सा अपने मिशन को बेहतर बनाने और बैकअप प्लान तैयार करने में लगाया है। बैकअप प्लान का भी बैकअप तैयार किया है। इस मिशन में अब तक सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हुआ है। हमने सिस्टम की कई स्तर पर सत्यापन कर लैंडिंग की तैयारी कर ली है और लैंडर की सेहत बिल्कुल ठीक है। इसरो चीफ चंद्रयान 2 की असफलता के वो पल भी नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 अंतिम चरण तक ठीक ठाक चला, लेकिन हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, ज्यादा स्पीड से उतरे। एस सोमनाथ ने कहा कि उस दौरान की कुछ कमियां हमने पता कर ली थी। जब ऐसा हो रहा था तब हमने उसका समाधान नहीं किया, इसलिए उतरते वक्त लैंडर मॉड्यूल नियंत्रण से बाहर हो गया। इस बार हम बेहतर तरीके से तैयार हैं। हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है और उन गलतियों को सुधार लिया है। अगर चीजों को हमारे अनुसार चलना है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के इस बयान के बाद हमारे वैज्ञानिकों के हौसले कितने बुलंद हैं ये समझ में आता है। इसरो के साथ वीके न्यूज को भी पूरा विश्वास है कि हमारा ये मिशन जरूर सफल होगा और चांद पर तिरंगा लहराएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।